प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव जब भी अपनी राशि बदलते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव देश दुनिया पर और व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है। अब सूर्य देव अपनी राशि बदल करके कर्क राशि में जा रहे हैं, क्या होगा इसका देश दुनिया पर प्रभाव और अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी मिथुन राशि में विद्यमान हैं। 16 जुलाई को रात में यानी आज लेट नाइट में कर्क राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। यहां पर अब सूर्य बुध के साथ विद्यमान हो जाएंगे और साथ ही साथ बृहस्पति और राहु से केंद्र में आ जाएंगे। राहु और सूर्य का परस्पर केंद्र में आना दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाएगा। जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं और सूर्य सत्ता का, राजनीति का स्वामी है, इसीलिए राजनैतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। आम जनता के लिए थोड़ी महंगाई और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय लोगों को रोजगार में भी समस्याएं आ सकती हैं जिसका ध्यान देना चाहिए। चर्चा करेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें। भगवान शिव को अगर गुड़ अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश देश में आपदाएं, प्राकृतिक समस्याएं बढ़ा सकता है। लोगों के बीच में वर्थ में वैमनस्य और विवाद में वृद्धि हो सकती है। इस समय महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस समय देश के कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा होगी और जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समस्याएं बढ़ेंगी। भारत के उत्तरी इलाकों में और कुछ हद तक पूर्वी इलाकों में समस्याएं इस समय आपदाओं के माध्यम से आ सकती है। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा होगी, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन संभाल कर रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। अगर आज भगवान शिव को आप गुड़ अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों को अगले एक महीने तक प्रभावित करेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल है। कर्क राशि और धनु राशि वालों को इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने करियर के मामले में। तो जैसा आपको बताया कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन 8 राशियों के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर ये परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, अगले एक महीने तक। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगले एक महीने तक गुड़ का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन संपत्ति का इस समय लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए, धन के लेन देन में सावधानी रखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। भगवान शिव को अगर गुड़ अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल पहले भगवान सूर्य को, फिर भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। भगवान सूर्य से और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।